nth term of GP is 128. The nth term of the GP 128, and the sum of its nth term is इतना. If the common ratio is 2, then the first term is, देखिए first term हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि इसका first term जो है ना a है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी आर का वैल्यू दिया है 2. ऑब्जेक्टिव है, उतना ज्यादा डीपली नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं. चलिए तो फर्स्ट टर्म ए ले लिए, कॉमन रेशियो आर है वो 2 है. देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एंथ टर्म, यानी हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है एंथ टर्म 128. इसका मतलब ये हो जाएगा ए आर का पावर एन माइनस वन इक्वल टू में 128. तो यहां से देखो ए आर की जगह पर 2 रख देंगे, 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू में 128 दिया. अच्छा, द सम ऑफ इट्स nth टर्म, n टर्म्स इज 225. सम ऑफ n टर्म क्या है, 225 दिया है. तो एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या लिख सकते हैं a इंटू में 2 का पावर n और बाई में एक 2 आ जाएगा इक्वल टू में 128. ये जाकर तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, है ना जी. तो यहाँ से चाहो तो 2 का पावर n बच जाएगा और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 256 और बाई में एज ए क्वेश्चन फर्स्ट. अब देखो इसके n टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू में यहाँ हो जाएगा r का पावर n, तो r यहाँ पे 2 है, 2 का पावर n माइनस 1 और बाई में 2 माइनस का 1 इक्वल टू में 225. चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 का पावर n के जगह पे ये रख सकते हैं कि नहीं, तो आ जाएगा यहाँ पे a इंटू में 256 बटा में a माइनस 1 और नीचे तो 1 होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 225. इससे हुआ ये, समझ रहे ना. अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अंदर LCM ले लेते हैं. LCM होगा a 256 माइनस का a इक्वल टू में 225, ये इससे कट जाएगा. इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 256 माइनस का 225 इक्वल टू में a, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 31 हो जाएगा ना जी, a का वैल्यू 31 आ जाएगा. तो ऑप्शन में देखिए 31 फर्स्ट टर्म निकाला था ना जी, फर्स्ट टर्म 31 नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना जी. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ